अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो है मूविंग कॉल लाउड स्पीकर है। मूविंग कॉल लाउड स्पीकर के अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर सर्किट कैसा होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करंट लीड्स हैं, जो भी माइक में आप बोलोगे ना बात, वो माइक के थ्रू कन्वर्ट किस में होगी, माइक के तार में, वायर में, यानी कि साउंड वेव कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में एज अ करंट। वो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाके यहाँ पर एक क्या है, कॉइल है, यहाँ पे एक सोलिनॉइड है, कॉइल है, ठीक है, इसको मैग्नेटाइज कर देगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो इसके हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, टाइम मैग्नेटिक डोमेन अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा यहाँ से, कैसे, क्योंकि जाहिर है जो बंदा माइक में बोल रहा होगा उसकी आवाज कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक कॉन्स्टेंट आवाज तो नहीं आ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, डीसी करंट तो नहीं देगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट देगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पर भी डिफरेंट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। तो डिफरेंट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिज्म जब जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर पेपर कोन जो है इसको अपने हिसाब से वाइब्रेट करेगा। जिस हिसाब से यहाँ वाइब्रेशन होगी ये पेपर कोन भी वाइब्रेट होगा, जो कि आउटसाइड एरिया होता है लाउड स्पीकर का। इस पेपर कोन के आगे जितनी भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स भी उसी पैटर्न पर वाइब्रेट करेंगे। जब उसी पैटर्न पर वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, उसी तरह से कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बना के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको साउंड का काम देंगी। तो बीच में क्या करते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं। ये जो कॉइल है ना, कॉइल के अंदर एम्पलीफायर होता है, क्योंकि जो आप माइक में बोलोगे वो तो छोटी आवाज होगी, यहाँ पर आपको बड़ी आवाज चाहिए होगी, तो लाउड करने के लिए एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, करंट की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा देता है। जब बढ़ा देता है तो क्या होता है, मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाता है। मैग्नेटिज्म बढ़ेगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तेज आवाज निकलेगी, ठीक है। इस पूरे पैटर्न को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल्स थ्रू करंट लीड्स, करंट लीड्स ऑल्टरनेटिंग करंट आए, क्योंकि वॉइस चेंज हो रही है ना, कभी ऊपर का नोट बोल रहा है बंदा, कभी नीचे के नोट से बोल रहा है, तो चेंजिंग वॉइस की वजह से चेंजिंग करंट होगा। देन अ मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन द कॉइल, इस कॉइल में मैग्नेटिक फोर्स बन गई जो कि चेंजिंग होगी। एज द करंट इज ऑल्टरनेटिंग सो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कॉइल ऑल्सो वेरीज रैपिडली, क्योंकि करंट ऑल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पर वेरी करेगी रैपिडली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ठीक है। दिस कॉजेज द कॉइल टू ऑसिलेट विद हाई फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, इस कॉइल को भी हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने का मौका होगा इसकी वजह से, ठीक है। सिंस द पेपर कोन इज अटैच टू द कॉइल, ये पेपर कोन जो है वो कॉइल के साथ ही अटैच है, जैसे जैसे कॉइल वाइब्रेट करेगा वैसे वैसे पेपर कोन भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सो ऑसिलेशंस आर सेट अप इन द कोन एज वेल एज इन द लेयर ऑफ एयर नेक्स्ट टू द कोन, यहाँ पे जितनी एयर होगी ना, एयर की लेयर होगी वो भी वाइब्रेट करेंगे उस हिसाब से। इन दिस वे ऑल्टरनेट सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन द एयर आर सेटअप एंड प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव इन द एयर, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे चेंजेस होंगे वैसे यहाँ चेंजेस होंगे, वैसे यहाँ एयर मॉलिक्यूल में चेंजेस होंगे और एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, उस हिसाब से साउंड चेंज होता रहेगा। बस बीच में एम्पलीफायर लगाओगे तो वो तेज कर देगा साउंड को, ठीक है। कह रहे कोई सवाल यहाँ तक, नो सर, क्लियर। अच्छा अभी हम आखिरी टॉपिक बस पढ़ते हैं, इसके बाद एंड करेंगे। वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखो दो करंट कैरिंग वायर है, अब क्या है यहाँ पर, एक वायर है ये दूसरा वायर है, इसमें करंट जा रहा है अपवर्ड, इसमें करंट आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई करंट इसमें अगर अपवर्ड जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, राइट साइड पे। ये आप लेफ्ट हैंड रूल से ये भी देख सकते हो इजीली ना, जो पुराना लेफ्ट हैंड रूल हमारा था, ठीक है। तो आपने क्या किया, टू करंट कैरिंग वायर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक फोर्स, क्यों, इसका करंट होगा तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स होगी, इसका करंट होगा तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स होगी, तो ये वाला करंट जो है वो इससे दूर जाएगा और ये इससे दूर जाएगा। ये रूल है कि करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपेलिंग फोर्स होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पैरेलल वायर विद करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, देखो सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। पैरेलल वायर विद करंट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि इंटरैक्टिव फील्ड है ना, एक फील्ड इसकी एक फील्ड इसकी होगी, तो दोनों फील्ड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट यहाँ जा रहा है और यहाँ से वापसी आ रहा है तो ये दोनों को रिपेल करेगा, लेकिन अगर यहाँ जा रहा तो ये यहाँ से वापस आएगा, ये यहाँ जा रहा तो यहाँ से वापस आएगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने बनाई हुई है, ये देखो, ये देखो, ये है डायरेक्शन कंबाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, ये एक रिपल्सिव फोर्स को दिखा दिए, ये नो 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 नो, ये उल्टा है, उल्टा दिखाया हुआ है, यहाँ पे करेक्शन चाहिए होगी, ये तो रिपल्सिव फोर्स है ना। अगर करंट
अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखो यहाँ पर, हाँ ये करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा सही है, अपोजिट ही है ना, सही में मुझे लगा ये सेम डायरेक्शन में। करंट अपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स है, सही दिखाया। बीच में जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्सिव है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे करंट सेम डायरेक्शन में है। देखो यहाँ करंट क्लॉकवाइज है, यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो यहाँ कहीं भी रिपल्शन नहीं है, बीच में स्मूथ एरिया बन रहा है, एकदम एक दूसरे से अटैच होके फोर्स बन रही है। सही, यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया उधर से, वे वापसी आया और इसको अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्टिव फोर्स बन रही है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, अट्रैक्टिव फोर्स आपस में डायरेक्ट कोलिजन करती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके खींच लेती है। रिपल्सिव में क्या है, इस तरह का सर्कल बन जाएंगे जो रिपेल करेगी। तो आपने ये याद रखना है कि भाई अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, फील्ड होगी, ओवरऑल फील्ड होगी, और करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ओवरऑल फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, कंबाइंड फोर्स ले रहे हैं तक, यस सर, मुझे आपको क्लियर है? चलो जी सर, फिर यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है।